वेलकम टू ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम है रविंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया के बुलेट ट्रेन्स हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट, जिसमें वंदे भारत, तेजस एंड गतिमान एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स को चलाया गया है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फेमस बिजी रूट ट्रेन्स के बारे में, कुछ ऐसी ट्रेन जो हमारे इंडिया के बिजी रूट्स पे चलाई गई हैं फॉर स्पेशल नीड्स ऑफ पैसेंजर। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही समाज के पिछड़े वर्ग या कमजोर वर्ग के लिए ऐसी कुछ ट्रेन्स के बारे में जो सोशल कॉज से चलाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फेमस फ्रेट ट्रेन्स को, जिन्होंने हाल ही में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ियाँ, कुछ इंटरनेशनल ट्रेन्स। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। चले तो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन कैसे हुआ, इंडिया का जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है इसका प्रोग्रेस अभी कहाँ तक पहुँचा है, एंड हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल फैक्ट जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में। सो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहली पॉइंट हमारी फाउंडेशन से रिलेटेड है। सो इंडिया में हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को 2014 रेल बजट में लाया गया। 2014 रेल बजट टीवी सदानंद गौड़ा जी एज अ रेलवे मिनिस्टर पेश किए थे। 2017 के पहले जितने भी रेल बजट इंडिया में पेश हुए हैं वो सभी रेल मिनिस्टर पेश करते थे। 2017 के बाद से जो हमारा रेलवे बजट है वो मर्ज हो गया है 2017 से ही, एंड इसको अब फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, पहले के लेक्चर्स में भी बताया गया है। सो 2014 के विजन में ऑफ रेलवे मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा, इंडिया में डायमंड क्वाड्रिलेटरल बनाने की घोषणा की गई। ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल इंडिया के चार मेजर शहर चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई को बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी देने वाला था। बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी को इंडिया में लाने के लिए एक बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जिसमें वर्ल्ड की कई बुलेट कंपनीज ने भाग लिया। एंड इसके बाद जो हमारा जापान की कंपनी है सिंकेसन टेक्नोलॉजी, इसके जो प्रोजेक्ट एंड इसके प्राइस को बेस्ट माना गया। सिंकेसन टेक्नोलॉजी जो स्टैंडर्ड गॉज सिस्टम बुलेट ट्रेन्स के लिए बनाता है, वो वर्ल्ड में सबसे सस्ता है। सबसे सस्ता जो हमारा बुलेट ट्रेन का ट्रैक है वो सिंकेसन टेक्नोलॉजी इंडिया को बना के देगा। इसकी जो पर किलोमीटर की कॉस्ट है वो है 70 से 100 करोड़ रुपए। बुलेट ट्रेन का 1 किलोमीटर बनाने के लिए सबसे सस्ते दाम पे 70 से 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर और प्रोजेक्ट्स की बात करें जो वर्ल्ड में बनते हैं, जो चाइना की बुलेट ट्रेन्स है जो 500 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, सो उसका जो ट्रैक है वो और भी महंगा है। बट हमने सबसे लो स्पीड के बुलेट ट्रेन को चुना है। सो सिंकेसन टेक्नोलॉजी इसको भी सबसे सस्ते रेट पर बना रही है, एंड पर किलोमीटर 70 से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस बात को याद रखिएगा, जो हमारी बुलेट ट्रेन है ये सबसे पहले इंडिया में दो शहर मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाई जाएगी। मुंबई हमारा महाराष्ट्र में और अहमदाबाद हमारा गुजरात में, ये दोनों मेजर इकोनॉमिक सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं। सो इन दो शहरों को बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, एंड इसके बाद जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है इसको डायमंड क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए मुंबई से दिल्ली तक एक्सटेंड किया जाएगा। बट फर्स्ट फेज में अभी सिर्फ मुंबई से अहमदाबाद तक सबसे पहले इंडिया में बुलेट ट्रेन बनने वाली है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया था 2014 में। बट कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं सो उसमें टाइम लगता है, खासकर इंडिया में लैंड एक्विजिशन की समस्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। सो लैंड एक्विजिशन प्रॉपरली ना हो पाने की वजह से या पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी सिर्फ 60% बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन हुआ है।
एंड 40% लैंड एक्विजिशन अभी भी बचा है। सो ये जब तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। सो अभी हमारा जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो डिले हो चुका है, एंड अब बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2028 तक कंप्लीट होने की संभावना है एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट की अगर बात करें। चले जो थर्ड पॉइंट है वो जापान के कंट्रीब्यूशन के बारे में है। जो जापान हमारे इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा वो एक मेजर फाइनेंशियल हेल्प है। जापान पे नहीं करेगा, पे इंडिया को ही करना है, बट वो एक लोन देगा जब हमारा रेवेन्यू बुलेट ट्रेन से आएगा आफ्टर कंप्लीशन 2028 तक जो कंप्लीशन है, उसके बाद ही हम लोग जापान को वो रीपे करेंगे। सो वो एक सॉफ्ट लोन है, बहुत ही लो इंटरेस्ट पे उसको भारत को दिया जा रहा है, एंड इसकी की मदद से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इंडिया में काफ़ी तेज़ी से हो पाएगा। नहीं तो कुछ और जो हमारी वर्ल्ड की बैंक है, वर्ल्ड बैंक है या वर्ल्ड की एजेंसी है, उससे इंडिया को लोन लेना पड़ता और वो इजीली हर प्रोजेक्ट के लिए मिलता नहीं है। सो जापान के कंट्रीब्यूशन से ही इंडिया का हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसी की कंपनी है सिंकैसन टेक्नोलॉजी, ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो चले अब हम लोग जानते हैं इंडिया के सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स के बारे में। चले देखे सेमी हाई स्पीड ट्रेन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट इनको क्यों कहते हैं। सो सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का मतलब है जो हमारी बुलेट ट्रेन है हाई स्पीड, वो 320 किलोमीटर पर आवर से लेके जाती है। जो हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो लगभग इसी के हाफ स्पीड पे 160 से 200 किलोमीटर पर आवर के बीच में जो ट्रेन होंगी उनको हम लोग सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहेंगे। सो इस तरह की जो ट्रेन इंडिया में लॉन्च होना स्टार्ट हुई थी वो 2016 से स्टार्ट हुई। सबसे पहली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया। गतिमान एक्सप्रेस की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 160 किलोमीटर पर आवर होती है। सो गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे है। सो इससे ज़्यादा ये ट्रेन नहीं करती है, एंड जो हमारी स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वो है 160 से 200 के बीच में अटेन करना है। सो गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो नहीं हुई, बट सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत गतिमान एक्सप्रेस को बनाया गया था। सो गतिमान एक्सप्रेस सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए सबसे पहली ट्रेन बनाई गई। सिमिलरली इसी तरह 2017 से तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया गया। टोटल 4 तेजस एक्सप्रेस ट्रेन अभी इंडिया में चलती हैं। 2 जो गवर्नमेंट हैं, 2 ट्रेन गवर्नमेंट हैं एंड 2 हमारी प्राइवेट ट्रेन हैं। सो जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेन है उनको इंडियन रेलवे चलाती है, एंड जो हमारी प्राइवेट ट्रेन है उनको IRCTC चलाती है एज अ प्राइवेट प्लेयर। सो ये सभी जो ट्रेन हैं ये तेजस की, ये भी हाई स्पीड ट्रेन में नहीं आती हैं, इनकी भी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा सकती। सो तेजस एंड गतिमान ये दोनों हाई स्पीड ट्रेन नहीं हैं। ये ट्रेन 2016-17 में आई थी टू अचीव द हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट। सो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेगा। और तेजस एक्सप्रेस जो हमारी 2 प्राइवेट हैं 2 गवर्नमेंट हैं, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो पहली तेजस एक्सप्रेस चली थी CSMT से करमाली, ये गवर्नमेंट ट्रेन थी एंड 2017 में इसको चलाया गया था। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, क्योंकि ये ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेंड करती है। 160 से 200 के बीच में आना जरूरी है। सो जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को अटेंड कर सकती है। सो ये इंडिया की पहली फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में इसके कोचेस को बनाया गया था, एंड वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की इस वक्त फास्टेस्ट ट्रेन है। सबसे जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन इंडिया की अगर कहें तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। चलिए लास्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रेन 20 की। ये ट्रेन जो है वो राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। ट्रेन 20 राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी। राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 130 किलोमीटर पर आवर उसकी लगभग मैक्सिमम स्पीड है, 140 या 130 एंड 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। सो ट्रेन 20 कोई बहुत ही हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड ट्रेन नहीं है,
बट ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेंगी। राजधानी एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो शताब्दी एक्सप्रेस से कम होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा। शताब्दी ट्रेन ज़्यादा हाई स्पीड पे चलती है राजधानी ट्रेन के, बट राजधानी ट्रेन इंडिया में पहले आई थी एंड दिल्ली और कोलकाता के बीच में सबसे पहले राजधानी ट्रेन को चलाया गया था। दो राजधानी जो कोलकाता पहले थी एंड दिल्ली बाद में हुई, इनको कनेक्ट करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस के नाम से सबसे पहली ट्रेन चली थी। अब ट्रेन 20 जो है इन राजधानी ट्रेन को रिप्लेस करेगा। चले दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेमस बिजी रूट्स ट्रेन। ये सभी ट्रेन इंडिया के बिजी रूट्स पे चलाई जाती हैं, जो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक है उनको अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल दोनों जो हमारी फैसिलिटी वो दी जा सके, इस एम के साथ इन ट्रेन को चलाया जाता है। सबसे पहले ट्रेन की हम लोग बात करेंगे उदय एक्सप्रेस। उदय एक्सप्रेस डबल डेकर ट्रेन होती हैं, जो थर्ड एसी की ट्रेन होती हैं। इनके सभी डिब्बे थर्ड एसी होते हैं एंड दो शहर ऐसे जिसमें हाई क्लास लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली हो गया या पंजाब का चंडीगढ़ हो गया, इस तरह के रूट्स पे जो थर्ड एसी की ट्रेन्स हैं इनको कंफर्टेबली और अफोर्डेबल रेट्स पे चलाया जा सके। इसमें एक चेयर कार फैसिलिटी के तौर पे, इसमें आप सो के नहीं जा सकते, सिर्फ बैठ के जा सकते हैं। सो उदय एक्सप्रेस ट्रेन डबल डेकर फॉर्म में कई सारी सीट्स के साथ ऊपर नीचे दोनों लोगों को बैठा के लेके जा सकती है एंड ये बहुत ही सस्ते रेट पे दो स्टेशन के बीच में ट्रेवल करा सकती है थर्ड एसी फैसिलिटीज़ के साथ। सो उदय एक्सप्रेस ट्रेन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट ट्रेन है युवा एक्सप्रेस। युवा एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जिसको 2009 से चालू किया गया है एंड 2009 के रेलवे बजट में ममता बनर्जी ने UPA 2 जो हमारा है उसमें उसके रेलवे बजट में सबसे पहले रेलवे बजट में युवा एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है। युवा एक्सप्रेस ट्रेन 60% सीट्स इसकी रिजर्व करता है उन लोगों के लिए जो युवा हैं या लोअर इनकम क्लास ग्रुप से आते हैं। सो लोअर इनकम क्लास ग्रुप जिनके पास पैसे की कमी है या तो वो स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं 18 से 45 ईयर्स के एज के बीच में, इनके लिए युवा एक्सप्रेस ट्रेन को 2009 से चलाया जा रहा है। इसी तरह हमारी एक फेमस ट्रेन है जन शताब्दी एक्सप्रेस। जन शताब्दी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो शताब्दी ट्रेन है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो जन शताब्दी ये ऐसी शताब्दी ट्रेन है जिसमें नॉर्मल पीपल ईजी एंड कम्फर्टेबली लोअर रेट्स पे, मतलब अफोर्डेबल रेट्स पे ट्रैवल कर सकें। सो ये सभी चेयर कार ट्रेन्स होती हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसमें लोगों को सिर्फ बैठ के जाना होता है एंड लॉन्ग रूट पे ये सभी ट्रेन्स नहीं चलाई जाती, क्योंकि लॉन्ग रूट पे बैठ के तो आप नहीं जा सकते। 8 से 10 घंटे मैक्सिमम कोई भी जो रूट होता है उसमें पैसेंजर्स बैठ के जा सकते हैं। सो जन शताब्दी एक्सप्रेस को उन्हीं रूट्स पे चलाया जाता है जो शॉर्ट रूट्स होते हैं एंड हायर स्पीड पे उन स्टेशंस को कवर किया जाता है। इसी तरह हमारी जो फोर्थ है, फोर्थ ट्रेन, वो है स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती वो सभी ट्रेन जो दिल्ली के तरफ जाती हैं एंड वीकली मैक्सिमम स्टेशन से चलती हैं। इंडिया के जितने भी मेजर स्टेशंस हैं वहाँ से वीकली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं एंड ये सभी दिल्ली की तरफ जाती हैं, दिल्ली को कनेक्ट करती हैं एंड दिल्ली से वापस उन्हीं स्टेशंस पे आती हैं। इन सभी ट्रेन्स को आप लोग समझ गए होंगे। सो चले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चले अब हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे के द्वारा भारतीय रेलवे कुछ ऐसी ट्रेन्स को भी चलाता है जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं वो भी भारतीय रेलवे से कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे कुछ ट्रेन्स को चलाता है एंड कुछ ऐसी ट्रेन्स के बारे में भी जो भारतीय रेलवे लोगों की सिर्फ मदद के लिए चलाता है, सोशल कॉज के लिए, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ट्रेन है रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस उन पैसेंजर्स के लिए है जो HIV/AIDS से पीड़ित हैं या जिनको HIV/AIDS हो चुका है एंड इन पैसेंजर्स को किसी भी तरीके से जो सोशली डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है वो ना झेलना पड़े, इसके लिए रेड रिबन एक्सप्रेस लाल फीता ट्रेन एकदम अच्छे तरीके से आप लोग ट्रैवल करें, इसके लिए रेड रिबन एक्सप्रेस को इंडियन रेलवे चलाती है। इस ट्रेन को 2007 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड एड्स डे पे। 1 दिसंबर को हमारा वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है एंड 2007 से ये ट्रेन चल रही है।
हमारे जो रेड रिबन एक्सप्रेस है, ये सिर्फ और सिर्फ एचआईवी एड्स पेशेंट्स के लिए ही होती है। इसमें नॉर्मल पेशेंट्स ट्रैवल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेन है वो है जन साधारण एक्सप्रेस। जन साधारण एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन हैं जिसमें 100% जनरल डिब्बे होते हैं। इसमें कोई भी स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी एंड फर्स्ट एसी डिब्बे नहीं होते। जन साधारण एक्सप्रेस सिर्फ जनरल डिब्बे होते हैं एंड इन डिब्बों को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इनमें चार्जिंग पोर्ट्स, बायो टॉयलेट, स्मोक अलार्म, सीसीटीवी, एक्वा गार्ड फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी दी गई है। जन साधारण एक्सप्रेस जो जनरल का सफ़र है, एक सुपर फास्ट ट्रेन का, वो सबसे कंफर्टेबल सफ़र है जन साधारण एक्सप्रेस का। जन साधारण एक्सप्रेस इस तरह की ट्रेन का फर्स्ट जनरेशन है। इन्हीं ट्रेन का जो सेकंड जनरेशन है, जिसमें वाटर की फैसिलिटी, एक्वा गार्ड की फैसिलिटी दी गई है, वो है अंत्योदय एक्सप्रेस। जन साधारण एक्सप्रेस में भी चार्जिंग पॉइंट, बायो टॉयलेट सब कुछ है, बट एक्वा गार्ड फैसिलिटी नहीं है। जो हमारी सेकंड जनरेशन है अंत्योदय एक्सप्रेस, इसमें सारी फैसिलिटीज हैं। पानी की भी आपको दिक्कत ना हो, उसके लिए एक्वा गार्ड फैसिलिटी रहती है। पानी वहाँ पे एक्वा गार्ड से आप ले सकते हैं। बायो टॉयलेट्स रहते हैं, चार्जिंग पोर्ट दिया रहता है, जो नॉर्मली स्लीपर कोच में भी कई ट्रेन में आज भी इंडिया में नहीं है। थर्ड एसी से स्टार्ट होते हैं जनरली। सो चार्जिंग पोर्ट जनरल डिब्बों में देना सबसे पहले स्टार्ट किया गया था जन साधारण एक्सप्रेस से। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, रेड रिबन और जन साधारण एक्सप्रेस को। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेन है, जो वीकर सेक्शन के लिए चलाई गई थी, वो थी गरीब रथ। गरीब रथ मतलब एक ऐसी ट्रेन जो गरीब जो या पुअर पीपल हैं, जो थर्ड एसी के सफ़र से लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना जाता है। देखिए, जनरली जो स्लीपर का फेयर होता है, उससे सिर्फ 10% या 20% कॉस्ट अधिक होता है गरीब रथ के थर्ड एसी फेयर का। बट गरीब रथ का जो फेयर है, इसमें क्या होता है कि इसमें सीट्स ज़्यादा लगाए गए हैं। सो इसका जो फेयर है वो तो कम है, बट ये कंफर्टेबल ट्रेन नहीं है। बट अगर आप कंफर्टेबली ट्रैवल करेंगे तो आपको प्राइस तो ज़्यादा देना पड़ेगा। सो गरीब रथ में सीट्स ज़्यादा लगाई जाती हैं। इसमें साइड में भी 3 सीट्स होती हैं एंड नॉर्मली तो 3 रहती हैं जो हमारा केबिन साइड है, बट जो हमारा कूप साइड होता है किसी भी वैगन का, किसी भी कोच का, तो कूप साइड में भी हमारी 3 सीट्स रहती हैं। सो इस बात को याद रखिए, गरीब रथ में ज़्यादा सीट्स होती हैं एंड ये सीट्स कम रेट पे दी जाती हैं। 2006 से लालू प्रसाद यादव जी ने इसको चालू किया था। सो गरीब रथ एक सबसे सस्ते थर्ड एसी ट्रेन की ट्रेन है अभी इंडिया में, इस पर आप सो के जा सकते हैं, स्लीपर ट्रेन। नेक्स्ट जो हमारी ट्रेन है वो इंडिया की फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली ट्रेन। इसके बारे में मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वीकर सेक्शंस में इसको कवर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली ट्रेन है हमारी वाराणसी मैसूरू। वाराणसी मैसूरू एक्सप्रेस इंडिया की सबसे पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें सिर्फ ब्लाइंड पैसेंजर ही ट्रैवल कर सकते हैं। इस ट्रेन को 2016 से चालू किया गया है, 26 जनवरी से। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेशन है जो कम्प्लीटली ब्लाइंड फ्रेंडली है, या इंडिया का फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन कौन सा है, सो वो है मैसूरू स्टेशन। मैसूरू स्टेशन इंडिया का सबसे पहला ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो हमारी लास्ट ट्रेन है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस, ये ट्रेन 1991 से ही चल रही हैं एंड ये ट्रेन एक तरीके की हॉस्पिटल ट्रेन है। ये अलग अलग शहरों में जाती हैं एंड लोगों की ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कैटरेक्ट मतलब जो आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, प्लास्टिक सर्जरी, इन सभी चीज़ों को जो इंडियन रेलवे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ मिनिमम रेट्स पे लोकल पीपल के लिए करता है। उनके लिए जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाती है। जो हमारी जीवन रेखा एक्सप्रेस है, उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे इलाकों में ही जाते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल अभी इंडिया में नहीं पहुँच पाता है। सो रेलवे के सोशल ट्रेन्स में आपको लाइफ लाइन एक्सप्रेस एंड रेड रिबन एक्सप्रेस को बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। रेड रिबन एक्सप्रेस एचआईवी पेशेंट्स के लिए भी रिसेंटली 2007 से चल रही है एंड लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो हमारी 1991 से चल रही है। इन दोनों ट्रेन को बिल्कुल याद रखिए एंड ब्लाइंड ट्रेन तो 2016 में आई है अभी।
सो मायसूरू स्टेशन ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन है, इस बात को भी ध्यान रखेगा। ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होंगी। रेड रिबन एक्सप्रेस आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से HIV जो हमारे पेशेंट्स हैं इनको धीरे धीरे इसमें बैठाया जाता है। एंड जो हमारी जन साधारण, इसमें सारे जनरल डिब्बे होते हैं। एंड जो हमारी जीवन रेखा एक्सप्रेस है, ये जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको लेके चलती है। इसमें कई सर्जिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। इन सभी इमेजेस को आप लोग देख सकते हैं। तो चले चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ये सारी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। चले अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के कुछ ऐसी फेमस माल गाड़ियों की जिनका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। इन्होंने नए रिकॉर्ड्स को बनाया है। तो इन सभी माल गाड़ियों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली माल गाड़ी जो नए रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए 2020 में रिकॉर्ड को अचीव की है, वो हमारी सुपर एनाकोंडा। सुपर एनाकोंडा इसको नाम 2021 में दिया गया था, बट इसने 2020 के जून में इस रिकॉर्ड को बनाया था। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में पड़ता है, इसने जून 2020 में तीन जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं इनको जोड़ के 176 वैगन्स के साथ 3 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को सेंट्रली कंट्रोल करके, सेंट्रल कंट्रोल केबल से कंट्रोल होते हैं, 3 लोकोमोटिव की स्पीड एक साथ एक हो जाती है, एक साथ ब्रेक लगता है, या जितने भी लोकोमोटिव्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं, सो कंट्रोल केबल से ही सभी की स्पीड एक साथ हो जाती है। एक ही डिब्बे में हमारा जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, वो बैठा रहता है। एंड पीछे के जो लोकोमोटिव्स होते हैं वो सिर्फ चलते रहते हैं, उनको कंट्रोल सबसे आगे का ही जो लोको पायलट वो करता है। तो जो हमारी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसने जून 2020 में क्या रिकॉर्ड बनाया था, 3 लोकोमोटिव्स के साथ 176 वैगन्स को कनेक्ट करके सुपर एनाकोंडा ट्रेन इसको 2021 में नाम दिया गया। एंड सुपर एनाकोंडा एक्सप्रेस ये इंडिया की एक सबसे पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें 3 लोकोमोटिव्स को कनेक्ट किया गया। सो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, एक ऐसा रिकॉर्ड था इंडियन रेलवे का जो बहुत ही फेमस हुआ पूरे वर्ल्ड में। बट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पर रुका नहीं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने दोबारा से एक रिकॉर्ड बनाने के लिए एक 4 लोकोमोटिव के ट्रेन को कनेक्ट कर दिया गया। अब 4 लोकोमोटिव्स को कनेक्ट कर दिए, तो 4 लोकोमोटिव्स में टोटल 251 वैगन्स को कनेक्ट किया गया। 177 से 251 वैगन्स हो गए। एंड ये 2.8 किलोमीटर लंबी हो गई। सो 2021 में 2020 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एंड इस ट्रेन को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने नाम दिया शेषनाग एक्सप्रेस। शेषनाग एक्सप्रेस 2021 में सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन बनी वर्ल्ड की। एंड इसने एक साथ 251 वैगन्स को खींचा था। एंड 4 लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को इसमें कंट्रोल केबल के मदद से 4 लोकोमोटिव्स को सेम स्पीड एंड सेम ब्रेक्स के साथ चलाया गया। एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 2021 में बना। बट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे दोबारा से रिकॉर्ड बना दिया 2021 में ही। सो 2020 का रिकॉर्ड 2021 में तोड़ा एंड 2021 का रिकॉर्ड दोबारा 2021 में तोड़ा। सो इस बार साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने क्या किया, एक वासुकी नाम की ट्रेन, इसको टर्म दिया गया वासुकी, इसमें 5 लोकोमोटिव्स को कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 5। अब ये इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आने वाले दिन में 6 को कर देगा, फिर 7 को करेगा, वो बढ़ाते ही जाएंगे। सो नए नए रिकॉर्ड बनेंगे, बट अभी तक जितने रिकॉर्ड बन गए हम लोग को बिल्कुल पता होने चाहिए। सो जो हमारी वासुकी ट्रेन है, ये 5 लोकोमोटिव्स को ऐड करके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन बना दी। एंड ये लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन अभी तक इंडिया में है। इससे बड़ी फ्रेट ट्रेन अभी तक इंडिया में यूज नहीं हुई है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड ये 5 जो हमारे इंजन से उनको कनेक्ट कर जो ट्रेन बनाई गई वासुकी, ये 224 किलोमीटर तक चली है। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए, 224 किलोमीटर चली थी भिलाई से कोरबा। टोटल 7 घंटे में ये ट्रेन 224 किलोमीटर को कवर की थी, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फ्रेट ट्रेन्स का ये जो 4-3 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए किस में कितने वैगन्स को यूज़ करके कितनी लंबी ट्रेन्स को बनाया गया है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। सो चले आई होप ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेन्स के बारे में।
चले तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी इंटरनेशनल ट्रेन्स की अगर बात करें तो भारत में अभी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल, इनसे हमारी रेलवे कनेक्टिविटी है। बांग्लादेश से हमारी दो रेलवे कनेक्टिविटी है, एक है मैत्री एक्सप्रेस की एंड एक है बंधन एक्सप्रेस की। इन दोनों ट्रेन्स को एक साथ 2008 में ही चलाया गया था। एंड जो हमारी मैत्री एक्सप्रेस है ये वीक में 4 दिन के लिए चलाई गई थी, बाद में इसको 5 दिन एक्सटेंड कर दिया गया। एंड जो हमारी बंधन एक्सप्रेस है ये वीक में सिर्फ 1 दिन के लिए चलाई गई थी। सो बंधन एक्सप्रेस अभी भी 1 दिन के लिए चलती है एंड मैत्री एक्सप्रेस 4 दिन के लिए चलाई गई थी जो 5 दिन तक एक्सटेंड हो गए। चले नेक्स्ट जो हमारी कंट्री जिससे इंडिया की कनेक्टिविटी हो है पाकिस्तान। पाकिस्तान से अभी इंडिया की दो ट्रेन कनेक्टेड हैं, एक है समझौता एक्सप्रेस एंड एक है थार एक्सप्रेस। सो ये दोनों ट्रेन जो है वो शिमला एग्रीमेंट के बेसिस पे हैं। शिमला एग्रीमेंट जो सीज फायर का एग्रीमेंट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो शांति काल है जिसका जो एग्रीमेंट हुआ था शिमला में, उसी के बेसिस पे इन दो ट्रेन को चलाया जा रहा है। समझौता एक्सप्रेस को 1976 से ही चलाया जा रहा है एंड ये इंडिया पाकिस्तान की सबसे पहली रेलवे कनेक्टिविटी है। जो थार एक्सप्रेस है इसको 2006 से चलाया जा रहा है। अगर समझौता एक्सप्रेस में कोई दिक्कत आ जाती थी या मेंटेनेंस में कोई दिक्कत आती थी सो हमारी पाकिस्तान से रेलवे कनेक्टिविटी टूट जाती थी। सो थार एक्सप्रेस को 2006 से रेगुलर कनेक्टिविटी पाकिस्तान से मेंटेन रहे इसी के लिए चलाया गया था। एंड थार एक्सप्रेस जोधपुर से हमारी जो कराची वहाँ तक चलती है एंड समझौता एक्सप्रेस हमारे दिल्ली से लाहौर तक चलती है। अर्लियर जो समझौता एक्सप्रेस थी वो अमृतसर से लाहौर तक थी बट बाद में इसको दिल्ली से लाहौर तक कर दिया गया। चले पाकिस्तान के बारे में भी कनेक्टिविटी को समझ गए होंगे, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेपाल से कनेक्टिविटी के बारे में। सो जो हमारा नेपाल है वो हमारा बिल्कुल अच्छा दोस्त है एंड इससे जो हमारी ट्रेन्स है वो ईजिली कनेक्टेड हैं। हमारे इंडिया से माल गाड़ियाँ भी नेपाल में जाती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ भी नेपाल में जाती हैं। जो हमारी माल गाड़ी नेपाल में जाती है वो रक्सौल बिहार से जाती है बीरगंज तक नेपाल में, एंड जो हमारी पैसेंजर सर्विस जाती है नेपाल में वो हमारी जयनगर बिहार से बीजलपुर नेपाल तक जाती है। ये दो ट्रेन्स हैं, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ये एक रेल लिंक, इन दो लिंक दो रेल लिंक हैं ऐसी जिन पे ट्रेन्स को भेजा जाता है एंड इन्हीं जो लिंक्स हैं इसी को हम लोग नेपाल से इंडिया की रेलवे कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो चलिए इंटरनेशनल ट्रेन्स के बारे में समझ गए होंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, इंडिया की जो श्रीलंका से कनेक्टिविटी है वो 1964 तक इस्टेब्लिश थी। जो हमारी पंबन ब्रिज है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको, मेरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेक्चर में मैंने पंबन ब्रिज को समझाया है, उसमें मैंने बताया था कि 1964 में साइक्लोन के बाद पंबन ब्रिज को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। सो जो श्रीलंका से हमारी कनेक्टिविटी थी रामेश्वरम आइलैंड की, उस साइड का जो पंबन ब्रिज था वो कनेक्टिविटी 1964 से टूट गई एंड उसको बनाना अभी इतना आसान नहीं है। सेकेंड जो हमारी न्यू पंबन ब्रिज है वो बन रही है बट 1964 के बाद से श्रीलंका से इंडिया की कनेक्टिविटी टूट चुकी है एंड अब श्रीलंका से कनेक्टिविटी तभी बनेगी जब हमारा न्यू पंबन ब्रिज तैयार होगा। सो इस बात को याद रखिएगा, श्रीलंका से कनेक्टिविटी हमारी अब नहीं है 1964 के बाद से। चले आई होप ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए, एक एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है, आप लोग इसको रिवाइज करिए एंड इसके नोट जरूर बनाइएगा। तो चले फ्रेंड, इस लेक्चर के PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।